गाइस मीट 1 किलो है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग कैसे हैं, अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं चिकन बनाऊंगी और आप सभी लोग को दिखाऊंगी भी और सिखाऊंगी भी कि कैसे मैं बनाती हूँ देसी चिकन। इसको धुलाई करने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो बोल रहे हैं कि आप थकी हुई हैं, तब तक मैं इसको धो देता हूँ। इसको धोने के लिए सबसे पहले मुझे घड़ी खोलना पड़ेगा। ये गाइस मैंने चिकन ला दिया है और देवी जी इसका स्पेशल चिकन देहाती बनाएगी जो यहाँ बिहार में अक्सर सभी होटलों में मिलता है। तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया देवी जी बना पाएगी और देवी जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये होटल में एक बार खाई थी तो बोल रही थी कि इससे अच्छा मैं बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने लाया है और देखता हूँ कि ये होटल से बढ़िया बना पाती है या नहीं। तभी मैं इसको धो देता हूँ पहले अच्छी तरह से। ये नलका लगा, ये वाला टूट गया है, तो देखिए मैंने इसमें क्या अपना दिमाग लगाया है। इसमें मैंने ये तार बांध दिया है ताकि इसे ग्रिप मिले और इसको खोल सके। उस चिकन वाले ने इसको अपने हिसाब से अच्छी तरह से इसका साफ सफाई करके दिया था, उसके बावजूद भी इतना इसमें से वेस्टेज निकल गया कचरा। तो गाइस मैंने चिकन को अच्छी तरह से साफ सफाई कर दिया और इस वीडियो में गाइस मेरा रोल यहीं तक है। मैं फिर आऊँगा लास्ट में जब पूरा चिकन रेडी हो जाएगा, तब तो चिकन देहाती और स्पेशल चिकन देहाती बना रही है आज देवी जी गाइस। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए ब्लॉग मैं कर रही हूँ, पापा का अपना वीडियो एडिट करने। तो देखिए देवी जी है चिकन बना रही हैं। हाय गाइस, और इंग्रेडिएंट्स में है नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च है सूखा हुआ, और यहाँ पे क्या है, ये मीट मसाला है, मीट मसाला है, तेजपात है, धनिया है, टमाटर है, लहसुन है, प्याज है और हमारा सबसे मेन मीट है। तो गाइस मीट 1 किलो है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको मालूम चलेगा कि इस वीडियो में कितना चीज लगा हुआ है, कितना मसाला लगेगा, कितना नमक लगेगा। तो लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए पहले इसमें हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डल चुका है और देवी जी अब मीट फ्राई करने वाली हैं। इसमें नमक और हल्दी दो ही चीज मिलाकर फ्राई करेंगे। अच्छा, तो ये क्या हमारा हल्दी और ये क्या हमारा नमक, अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे। हो गया मिक्स। हाँ, अब इसको इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। इसको अच्छा से कर लिए मिक्स। लेग पीस भी है। तो गाइस मीट फ्राई हो चुका है और देवी जी इसको निकाल रही है कढ़ाई से और साइड में मम्मी चावल बना रही है। अब देवी जी इसी फ्राई किए गए हुए तेल में चिकन बनाएगी। तो सबसे पहले गया जीरा, जब जीरा ऐसे पटपटाने लगेगा उसके बाद डालेंगे लहसुन। तो जब ये लहसुन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। राइट, ये गया सूखी हुई लाल मिर्च। उसके बाद तेज़पत्ता। तो ये है हमारे स्पेशल देहाती चिकन का रेसिपी ना। तो गाइस देखिए और आप लोग भी बना के खाइएगा, देखिएगा कितना मस्त लगता है। लहसुन और प्याज है। तो ये है हमारा जिंजर और ऑनियन पेस्ट, जिंजर ऑनियन पेस्ट। और तब ये पूरा बन चुका है। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। वाह क्या खुशबू है। ये मसाला अच्छा से भुना चुका है, इसमें टमाटर डालेंगे खड़ा, मीट डालेंगे, अब इसमें मीट डालेंगे, चिकन डालेंगे। अब इसको चलाएंगे। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है देहाती चिकन। अब इस देहाती चिकन में जाने वाला है पानी, क्योंकि इसमें पानी नहीं हम लोग नहीं डालेंगे तो ये चिकन कच्चा रह जाएगा। भुना चुका है छत से, अब इसमें पानी डालेंगे।
पानी डालने के बाद इसको उबालेंगे। 10 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको ढक देंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग का 10 मिनट हो चुका है। अच्छा हम लोग 10 मिनट हो चुका है और हम लोग का देहाती चिकन बनके एकदम रेडी हो चुका है। देखिए ये है हमारी देवी जी का मेरी मम्मी का स्पेशल रेसिपी। अब लास्ट में डालेंगे धनिया, धनिया पत्ता। चिकन हो गया रेडी, बंद कर दें। हाँ बंद कर दीजिए। तो गाइस देवी जी का स्पेशल रेसिपी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे मम्मी हम लोग का डिनर रेडी कर रही है। तो गाइस फिलहाल मैं और परी चलते हैं डिनर करने। बच्चे सब तो खा लिए और हम लोगों का डिनर करने का टाइम आ गया है। तो यह है चिकन देहाती, देखिए देवी जी ने पकाई है, कितना टेस्टी चिकन देहाती। और मैं तो रात में रोटी लेता हूँ तो मैंने रोटी ले लिया है और देवी जी चावल। तो अभी टेस्ट करके बतलाते हैं कैसा है। आइएगा तो आप भी खाइएगा हमारे साथ जो नॉनवेज खाने वाले हैं। सबको नहीं बोल रहा हूँ गाइस, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है नॉनवेज, क्योंकि वेजिटेरियन जो होता है वो अच्छा होता है मेरे हिसाब से, और सबका अपना अपना तो टेस्ट होता ही है अलग अलग। सच में होटल से बढ़िया हुआ है, होटल में या कहीं भी आप खाएंगे तो कोई ना कोई उसमें कमी रह ही जाता है, लेकिन घर का जो खाना होता है वो सबसे बेस्ट होता है और हेल्दी होता है। तो ये मस्त गाइस डिनर कर लिए और आज का जो डाइट है वो थोड़ा हेवी ही हो गया, तो अब मुझे टहलना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ, टहल के आता हूँ, थोड़ा रनिंग में टहलना पड़ेगा तेज में। तो अभी चलते हैं दोस्तों, टहल के आते हैं, देखेंगे कितना देर तक जाग पाते हैं। वैसे तो डाइट हो गया है हेवी तो नींद तो लगेगा ही लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगा जागने का। जितना मैं जागूंगा उतना फायदा होगा, वीडियो का एडिटिंग कर लूंगा। अंधेरा अंधेरा, वैसे तो लाइट है अभी, अभी मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ। तो अभी गाइस टहल के आ गया, पेट भारी हो गया था, अब थोड़ा हल्का लग रहा है। युवराज को देखिए एकदम मस्ती में सो गया है, और अब मैं चलता हूँ अपने वीडियो के एडिटिंग वाले काम में लग जाता हूँ। A few hours later. अभी फिलहाल गाइस बहुत काफी नींद आ रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 11:26 और गाइस वीडियो का मैंने एडिटिंग 50% से ज्यादा कर लिया है, तो बाकी जो बचा हुआ है ये कल मैं भोर में उठूंगा तो कर लूंगा। तो अब चलते हैं सोने, और आप सबको गुड नाइट गाइस। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।